वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ऐसा विकास न सुना होगा न देखा होगा। कलकत्ता का फ्लाईओवर खींचकर लखनऊ ले आए हमारे सीएम आदित्यनाथ जी। भले ही विज्ञापन में लाए लेकिन लाए तो, ये ट्वीट किया है आप सांसद संजय सिंह। साथ में अखबार की एक तस्वीर भी शेयर की जो आदित्यनाथ का विज्ञापन है और इसी विज्ञापन की वजह से माहौल गर्म है। दरअसल विज्ञापन में जो सड़क दिखाई गई है वो बंगाल की है और इसी तस्वीर को लेकर ना सिर्फ आप बल्कि सपा भी हमलावर है। सपा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, मुख्यमंत्री के झूठ की फिर खुल गई पोल। विज्ञापनों में जनता का पैसा पानी की तरह बहाने वालों के पास दिखाने के लिए अपना किया कोई काम नहीं तो कोलकाता में हुए निर्माण की तस्वीर छापकर जनता को कर रहे गुमराह। शर्मनाक, ये है झूठ बोलने में नंबर वन भाजपा सरकार जिसके दिन है बचे चार। सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं अन्य कई लिबरल्स और वामपंथी चीलकौओं की तरह इस तस्वीर पर कूद पड़े हैं। काली चोंच लिए तस्वीर को मांस की तरह नोचने लगे, जिसके जो मन में आया लिखकर चला गया। सालों से भरी कुंठा ट्विटर पर उढ़ेल डाली। आरोपों का दौर शुरू हुआ, मौके पर चौका मारा गया, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि जिस यूपी में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, जिस यूपी में यमुना एक्सप्रेसवे हो, जिस यूपी में फिल्म सिटी बन रही हो, वहां के मुख्यमंत्री बंगाल की तस्वीर क्यों लगाएंगे। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये तस्वीर सच है जो अखबार में छपी, तो जवाब है हाँ, अखबार में छपी ये तस्वीर सच्ची है। पर ये आधा सच है क्योंकि इस तस्वीर को विपक्ष ने आधे झूठ के साथ परोसा है। कमाल तो ये है कि तस्वीर सांसद संजय सिंह ने भी शेयर की, जिनके मुखिया के सर पर विज्ञापन शिरोमणि होने का ताज है, तो अगर वो ऐसी बातें करें तो हजम नहीं होती। जी हाँ, इन जनाब ने कोरोना काल में भी विज्ञापनों पर ध्यान दिया। दिल्ली में आज जगह जगह पानी और ये गायब नजर आते हैं। ओलंपिक खत्म होने के बाद भी विज्ञापनों की ऐसी नदी बहा दी कि लोग भी बोल उठे कि इतना पैसा सरची ने अगर दिल्ली के खिलाड़ियों पर खर्च किया होता तो ज्यादा अच्छा होता। खैर, जो तस्वीर अभी वायरल हो रही है उसकी बात करें तो अखबार की गलती है, जिस पर लिबरल गिरोह ऐसे चढ़ गया मानो इसी के इंतजार में बेसब्र बैठे हो। दरअसल योगी आदित्यनाथ की जिस तस्वीर पर हल्ला मचा है उसे लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने अपने बयान में लिखा, हमारे मार्केटिंग विभाग की असावधानी के कारण कवर पेज पर उत्तर प्रदेश के विज्ञापन में एक गलत चित्र लगा दिया गया। हम इस गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हैं और अखबार के सभी डिजिटल संस्करणों में से इस चित्र को हटा लिया गया है। अखबार ने स्पष्ट कहा है कि उसके मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने वो चित्र प्रोड्यूस किया और उसकी गलती से ऐसा हुआ। तो वहीं भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा, बहुत अच्छे, टीएमसी के लोग और कई विपक्षी पार्टियां इस मामले में उत्तेजना पूर्वक उछल कूद मचा रही थी, अब चूंकि उनकी उत्तेजना हवा हो गई है इसका जिम्मेदार किसे माना जाना चाहिए, उन पर तो दोहरी मार पड़ी है। अब इस खुलासे के बाद लिबरल गिरोह से जवाब देते नहीं बन रहा, कई पतली गली से निकल लिए हैं तो कईयों ने बगले झांकना शुरू कर दिया होगा। सीधे शब्दों में गलती अखबार से हुई जिसकी माफी भी मांग ली गई और विपक्ष इसे अब भी मानने को तैयार नहीं। इन तस्वीरों को वायरल करके वो अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल ये कि ये नेता उस वक्त कहाँ गायब हो जाते हैं जब राहुल गांधी पुरानी तस्वीर शेयर कर देते हैं। ये नेता उस वक्त कहाँ चले जाते हैं जब दिल्ली के सरजी विज्ञापनों में नई यूनिवर्सिटी ला देते हैं। इन नेताओं के सवाल उस समय क्यों छुप जाते हैं जब आरटीआई की रिपोर्ट में सामने आता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने विज्ञापन पर करोड़ों खर्च कर दिए। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज।
राष्ट्र के नाम।